बात करेंगे मोहलिक वायरस कोरोना वायरस के हवाले से, जिस पे मुसलसल हम बात कर रहे हैं ताकि आपको अवेयर किया जा सके और ये भी बताया जा सके कि किस तरह से ये फैलता है और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर आप लोगों को अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एहतियात इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो मुझे और आपको हम सब ने मिलकर ना सिर्फ खुद अपनानी है बल्कि दूसरों को भी बतानी है। YDA की जानिब से, जितने भी हमारी ग्रैंड हेल्थ अलायंस है उनके जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी एहतजाज किया गया है, आज भी कहा गया है कि कुछ अस्पतालों के इंडोर्स आउटडोर्स बंद कर दिए जाएंगे, मरीज कल भी ख्वार होते रहे हैं। एमरजेंसी की सूरत हाल में क्या मसीहाओं को ये जेब देता है, इस पर भी हमने बात करनी है कि पूरे पाकिस्तान में इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है और यंग डॉक्टर्स अपने मुतालिबात के लिए सड़कों पर निकलने को तैयार हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर हुमा असलम साहिबा हैं, यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, आप प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, बिलाल आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहबा, आपकी जानिब से भी कल एक बड़ा अहम SOP जारी किए गए हैं, क्योंकि लोगों ने क्लिनिक्स पर अस्पतालों में बेजा रश लगाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बताइए कि लोगों को आपने क्या SOP जारी किए हैं, लोगों को क्या करना है? हमने लोगों को ये बताया है कि देखें, अभी ये वायरस फैल के चला रहा है, ये वायरस बेसिकली एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, जहाँ से भी मरीज गुजरता है या सांस लेता है तो वहाँ पर ये वायरस आ जाता है, ठीक है, और ये लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर हॉस्पिटल में एक बंदा भी जाता है जिसको ये वायरस है तो वो बाकी बहुत सारे लोगों को ये वायरस मुंतकिल करने का बायस बन सकता है। अब हमने बाकी जगहों पे तो रश कम कर दिया, लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स में इतना रश बढ़ चुका है कि अगर किसी को वायरस हो तो हम तो ये बहुत ज़्यादा फैल सकता है, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। इवन एक कमरे में, आउटडोर सर्विसेज में एक कमरे में 10 से 15 लोग आम बैठे होते हैं और बाहर तो लोगों का जमे गफीर होता है। तो हमारा अवामनास से ये गुजारिश है कि जब तक कोई इमरजेंसी सूरत हाल ना हो तब तक हॉस्पिटल ना आया जाए। लाइक जैसे अगर कोई सिंपल मुआयना करवाना है आँखों का, वो अभी डिले हो सकता है, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा डिले हो सकती हैं तो उनको डिले कर दिया जाए। जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट खातून है, हामला खातून है, तो वो फ्रिक्वेंट चेकअप्स के लिए ना जाएं। इसी तरह अगर कोई आपको कोई एक्सरेज करवाने हैं या सिटी स्कैन करवाना है जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या MRI कराना है जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको डिले कर लिया जाए थोड़ी देर। इसी तरह अगर कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जैसे गले का कोई ऑपरेशन है जो कि इमरजेंसी नहीं है, या कोई और सर्जरी है जैसे हर्निया की सर्जरी जिसमें डिले हो सकता है जो कि इतना इफ़ेक्ट नहीं करती, तो उसको कुछ देर डिले कर दिया जाए ताकि इसका आउटब्रेक मजीद ना बढ़े। तो हम अवामुन्नास से ये गुजारिश कर रहे थे कि अस्पतालों में रश ना लगाया जाए, यानी बेजा छोटी छोटी बात पर जो है वो आपको अस्पतालों का रुख करने की ज़रूरत नहीं है। बिलाल बताइए, इस वक्त पंजाब की और लाहौर की क्या सूरत हाल है? 28 मरीज कंफर्म हो गए लाहौर शहर में। बिल्कुल सिदरा, जिस तरह आपने बताया कि कल 6 कंफर्म पेशेंट थे सुबह तक, फिर उसके बाद हमें पता चला कि वो 26 पहुँचे, फिर उसके बाद 2 आए। एक्चुअली जो रीज़न है वो ये हो चुकी है सिदरा के जो ज़ायरीन आ रहे थे ईरान से, उनके लिए तफ्तान में जो क्वारंटाइन बनाया गया था वहाँ पे जो लोग रखे जा रहे थे वो एक ही मतलब बड़ा रूम था, बिस्तर लगा के वहाँ पे जब उनको रख दिया गया। यानी अगर किसी को नहीं है तो उसको भी हो जाए। देखो जो SOPs होते हैं ना, अगर आपने आइसोलेशन भी करना है तो आइसोलेशन के लिए जब एक बेड है तो दरमियान में कोई 2-4 एक पर्दा लगाते हैं ताकि उसकी जो इन्फेक्शन है वो किसी दूसरे में ना फैले। तो इस सूरत हाल की वजह से हमें ख़दशा है कि ये केसेस की तादाद बढ़ सकती हैं, और 1276 ज़ायरीन ने मज़ीद आना है, और आज मेरा ख्याल है 900 कुछ ने अभी आ जाना है, तो उसमें ईरान से, तो उसमें भी और ईरान में इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल। बिल्कुल, तो उसमें भी कुछ लगता है कि हमें मतलब पाकिस्तान में इस सिचुएशन की वजह से इन जो ज़ायरीन आ रहे हैं मज़ीद ख़दशा है कि इनमें से बड़ा रैपिडली जो जो वायरस है वो होगा, तो इस हवाले से मज़ीद बेहतर इकदामात करने की ज़रूरत है और उनको मज़ीद क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है। और दूसरी खुशकिस्मती ये है कि अभी तक हलाकत कोई नहीं हुई पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, इस हवाले से जो है वो थोड़े से मज़ीद इकदामात बेहतर करने की ज़रूरत है। देखिए इसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि जो पॉइंट ऑफ एंट्रेंस है वो चाहे एयरपोर्ट हो चाहे दूसरे बॉर्डर्स हों,
उनको मुकम्मल। अच्छा बिलाल, ये जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं, बड़ी देर से किए जा रहे हैं, इन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है कि अगर जो आने वाले लोग थे वो 250, 300, 350, चलो 1000 तक उनकी पहुंचा देते हैं, अगर उनको वहीं पर आइसोलेट कर दिया जाता, उनको अलग रख दिया जाता, तो फिर ये पूरे पाकिस्तान में ना फैलता। एग्जैक्टली इसी तरह यही पॉइंट ऑफ व्यू था। और जब हम शुरू में बैठे थे तो मैंने भी कहा था कि एयरपोर्ट के पास क्वारंटाइन होना चाहिए ताकि मरीज़ों को शहरी आबादी में ना ले जाया जा सके, क्योंकि जब भी सस्पेक्टेड जो मरीज़ होगा शहरी आबादी में आएगा फिर भी वायरस फैलेगा, तो जब उसके दूसरे बॉर्ड ऑफ एंट्रेंस है जहाँ पे ट्रैफिक आती है, वो बाय रोड्स हो गए या दूसरे भी इनके बॉर्डर चमन वगैरह हो गए, तो इन पे अगर जितनी सख्त आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं करें, क्योंकि एक दफ़ा यहाँ पे एक भी कंफर्म जिसमें वायरस हुआ वो निकल गया, उससे फिर मजीद उसका खानदान इफेक्ट होगा, फिर पूरा एरिया होगा, जहाँ जहाँ जाएगा, हाँ, जिस बंदे से मिलेगा वो आगे जो है वो वायरस ट्रैवल करता जाएगा, इतनी तेजी से ये फैलता है, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है, मैं कहती हूँ नामुमकिन होता है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, उनकी जानिब से क्या कहा गया है वो देखते। बार बार हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हाथ धोएं, अपने आप को साफ रखें, कोशिश ये करें कि अगर घर में किसी को फ्लू है तो वो भी अपना मुंह मास्क से ढक, वरना मास्क पहने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती सेहतमंद लोगों को, उनको ज़रूर ज़रूरत है जो तीमारदारी कर रहे होंगे बीमार लोगों की, उनको ज़रूर ज़रूरत है जो हॉस्पिटल के अंदर लोग काम करेंगे इन मरीज़ों। इन लफ्ज़ों के साथ मैं आपको दोबारा बताना चाह रही हूँ कि हर रोज़ इंशाल्लाह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हर रोज़ की आपको फिगर्स भी बताएंगे, हर रोज़ कितने मरीज़ सामने आ रहे हैं उसके भी बारे में, अगर हमें दो दफ़ा दिन में बताने की ज़रूरत पड़ी तो दो दफ़ा